राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG को इस देश में सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इन्हें आप ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मनों की कमर तोड़ देते हैं। यही वजह है कि साल 2008 में मुंबई पर हुआ आतंकी हमला हो या फिर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला, इसी NSG के वीर जवानों ने आतंकियों को मार गिराया था। चाहे देश की सुरक्षा करनी हो या फिर नेताओं की रक्षा, NSG के ये जवान हथियारों से नहीं बल्कि बिना हथियार के भी मार्शल आर्ट के जरिए दुश्मनों को धूल चटाने और VVIP को सुरक्षित करने का पूरा मादा रखते हैं। हाल ही में इसका 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्यों NSG हमारे देश में सबसे भरोसेमंद सुरक्षा एजेंसी बन गई है। तो आपको बता दें कि NSG का गठन भारत की अलग अलग फोर्सेस से खास जवानों को छाट कर किया जाता है। NSG में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेज CRPF, ITBP, RAF और BSF से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक की होती है। इनका मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। देश के सबसे जाबाज सिपाही कहे जाने वाले ब्लैक कैट कमांडो को देख लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये किस भट्टी से तप कर निकलते हैं। सबसे पहले NSG कमांडो का मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है। कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक योग्य लोगों का चयन हो सके। सबसे पहले जिन रंग रूटों का कमांडोज के लिए चयन होता है, वो अपनी अपनी फोर्सेज के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होते हैं। इसके बाद भी उनका चयन कई चरणों से गुजरकर होता है। सबसे अंत में ये कमांडोज मानेसर NSG के ट्रेनिंग सेंटर पहुँचते हैं। ये देश के सबसे कीमती और जाबाज सैनिक होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक अंतिम रूप से कमांडो बन ही जाए। 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग के पहले भी एक हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है, जिसमें 15-20% सैनिक अंतिम दौर तक पहुंचने में रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं, और अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलता से पूरी कर ली, तो फिर वो देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। इंडिया न्यूज़ वाली रिपोर्ट।